गाइस, मैं हूँ फेयर और मैं हूँ हैंडसम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। तो देखते रहिए, हम आपका एंटरटेनमेंट जारी रखेंगे। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना। गाइस, दोपहर के बज गए हैं 1 और आज ब्लॉगिंग की शुरुआत मैंने अभी की है। तो सर आए हुए हैं मुंबई से, उनको मैं रिसीव करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं हूँ वसई स्टेशन पे, तो चलिए मैं सर को रिसीव कर लेता हूँ। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना, नहीं तो आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। गुड इवनिंग गाइज, सो अभी बज गए हैं शाम के 6 और रिसेप चला गया है वेस्ट की क्लास में। मैं और मेरी मिसेज, हम दोनों जा रहे हैं अपनी अपनी क्लास में। तो ये मुझे ड्रॉप करेंगे और मैं रिक्शा पकड़ के चला जाऊँगा। तो देखते हैं, वहाँ पर पानी भरा होगा तो फिर रिटर्न आ जाएंगे, नहीं तो गाड़ी जाने लायक होगी तो फिर जाएंगे। चलिए, तब तक आप मेरे वीडियो को कमेंट लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। चार दिन बाद आज क्लास में जा रहे हैं, तो जो भी हाल है वो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। तो भाई, पानी तो काफ़ी भरा हुआ है, अगर गाड़ी बंद पड़ी तब तो नहीं जाएंगे, गाड़ी निकल गई तो निकल जाएंगे। ओ माय गॉड की कसम, क्या खड्डे हैं, खड्डास खड्डास। ए हटो रे गाड़ी बंद पड़ गई तो फिर ऐसे धक्का लगाना पड़ेगा। और भाई देखो पानी, ओ हो, और बच्चे लोग बोलते हैं सर क्लास में नहीं आते तो कैसे क्लास में जाएंगे। भाई गाड़ी जाएगी तो जाएंगे ना, कहीं पे ट्रैफिक है तो कहीं पानी भरा हुआ है। और ये गलती इन लोग की हुई है ना, ब्रिज बनाने वालों की। तो सब जगह पानी ही पानी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, देखो यहाँ का, लेकिन मैंने वो व्हाट्सएप पे शेयर किया था, लोग घुटने घुटने पानी में जा रहे थे। तो भाई आपके इधर बरसात कैसी है, पानी कैसा है, कमेंट जरूर करना। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसने मिला दो लगे उस जैसा। सो गाइस देखो, हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है और ये देखो पानी 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 है। अभी ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, बहुत पानी है, लेकिन पेरेंट्स समझते थोड़ी ना है। पेरेंट्स को लगता है हम जानबूझ के नहीं आ रहे क्लास में, लुक। और ये गाड़ी बंद पड़ चुकी है, कुछ गाड़ियां हैं जो जा रही हैं। नहीं संभालूंगा, तुम इधर ही खड़ी रहो आज शाम तक। बहुत मज़ा आ रहा था ना, क्लास चालू और ये देखो गाड़ी बंद पड़ गई है टेवर छाइन और बसंत नगरी के बीच में। और इसको मैं ऊपर बिल्डिंग से बार बार बता रहा था भाई गाड़ी बंद पड़ जाएगी, वहाँ बहुत पानी है, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। अभी फंस गए ना यहाँ पे। सो गाइज, हम लोग अभी बड़ी मुश्किल से वेस्ट में पहुँचे हैं और वे ये है वेस्ट की क्लास। तो यहाँ पर ऋषभ और सुमन है, क्लास में भी कोई नहीं आया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और सीधा घर पे जाएंगे। तो भाई जब तक बारिश है, जब तक एवर साइन में पानी भरा हुआ है, तब तक तो क्लास में आना मुश्किल है। बाया दूसरी जगह से देखेंगे, कोशिश करेंगे आने की। तो
तब तक आप लोग एडजस्टमेंट करो। ये इधर देखो सब लोग, तो गाइज रात के बज गए हैं 7:45 और एक क्लास में तो गए नहीं, तो सोचा कि चलो यहाँ से सब्जी वगैरह खरीद लेते हैं। तो मैडम गई है भाजी खरीदने के लिए, और ये देखो भाई क्या है स्किन यार। तो यहाँ पे भाजी बहुत सस्ती सस्ती मिलती है, अच्छी मिलती है। और मैं खड़ा हूँ जेब्रा क्रॉसिंग के पास, और यहाँ पे है जैन मंदिर। तो भाई अभी 10 मिनट हुआ, बारिश रुकी हुई है, तो थोड़ा मार्केट कर रहे हैं। मैडम भाजी लेने के लिए गई और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ गाड़ी का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो गाड़ी उठा कर ले जाते हैं महानगर पालिका वाले। और वैसे भी यार वाइफ के साथ जाएंगे तो फिर खर्चा ज़्यादा हो जाता है। बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज हो। भगवान। और भाई एक चीज दिखाऊं आपको, ये है जेब्रा क्रॉसिंग, लेकिन ये जेब्रा क्रॉसिंग से कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। देखो कहां से आ रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से कोई क्रॉस नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना। गाइज सुबह के बज गए हैं 9:30 और अभी हम लोग चाय वगैरह पी के आए थे। आज था संडे, हमारा जाने का था प्लान मरीन ड्राइव, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी कि सुबह उठा ही नहीं गया। बारिश में कैसे जाएंगे। ये ऋषभ है, ऋषभ ने पूरा प्लान का सत्यानाश कर दिया। ऋषभ क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं मुझे सोने दो, नहीं जाना है मरीन ड्राइव। एक्चुअली बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसको मालूम नहीं है, वो सोने के चक्कर में गया। बारिश हो रही थी रात को, खुद ही बोलते मेरे को सुबह नहीं जाने का। मैंने ऐसा कभी, मैं 5 बजे उठा भी था, मैंने बोला था कि मौसम अच्छा होगा तो हम जाएंगे, नहीं मौसम होगा तो नहीं जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, बने रहिए पूरा दिन मेरे साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल हैंडसम सर का ब्लॉग। लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। यस, और हाँ बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना, नहीं तो आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं। सो गाइस पेप्पी को जा रहा हूँ टहलाने के लिए, लेकिन बारिश हो रही है यार, और ऊपर से बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। पेप्पी रुक जाओ थोड़ा सा, पेप्पी रुक जाओ। तो पेप्पी सुन नहीं रही है, बारिश हो रही है, जाना तो पड़ेगा। पेप्पी चली गई है, चलिए चलते हैं। मैं भी और आपको दिखाता हूँ भाई कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, कितना कितना पानी पड़ा है। तो गाइस मैंने पहन लिया है जैकेट और रेनकोट, लेकिन पेप्पी ऐसे ही जा रही है। अब क्या है, थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत गीला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। और भाई जो निचले स्थान पे जिनका घर है जैसे गोकुल आंगन में, तो उन लोगों ने गाड़ियां ले आके यहाँ पे रखी हैं। देखो ऐसा लग रहा है गाड़ियों का शोरूम है। और पेप्पी जा रही है आगे आगे।
आप लोग सपोर्ट करिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और भाई जल्दी जल्दी 5000 करवा दीजिए भाई। जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो ये देखो पंपिंग मशीन है, इससे उधर से पानी इधर निकाल दिया जाता है। और ये जो रास्ता है ना, ये जो पानी है वो सीधा समंदर में जाके मिलता है, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, समंदर भी नज़दीकी है, तो पानी का निकास हो जाता है। और आपको दिखाऊं, देखो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा यही नाला। तो पानी क्यों रुकता है, ये कचरे की वजह से भाई, पूरा कचरा साफ किया है। और ये जहाँ मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, तो बहुत सारी वीडियोस में मेरा देखा होगा आपने एक्सरसाइज करते हुए, यहाँ पर तो पूरा पूल बन गया है देखो। चलो पप्पी कम, चलो बेटा आ जाओ। ए फाइटिंग नहीं करना, चलो चलो। अरे इसको भेजा है भाई कचरा फेंकने के लिए, क्योंकि आज है संडे, आज वो आती नहीं है डस्टबिन लेने के लिए। और इस सबको लग रहा है भाई सिमरन खाना लेके आई है। वेरी गुड, घर की साफ सफाई क्या करो। चलो चलो चलो, पप्पी को आवाज दो, पप्पी अभी ये जाएगी डेटॉल से साबुन से हाथ धोएगी फिर आएगी। चलो बेटा। सो गाइस पप्पी को फ्रेश करवा के लेके आ गया हूँ। और ये देखो अभी इंतजार कर रही है भाई, मुझे कुछ खाना मिलेगा क्या, तो उसको खाना देंगे। चलिए तब रहूँगा पूरे दिन की अपडेट, तब तक Storms we chase.